हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट क्लास के बच्चों उसमें हमने जो अपना मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस वहाँ पे हमने देखा था। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियोस नहीं देखे तो वहाँ से अपना वो टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। आज जो हमें वेरिएशन इन मोलर कंडक्टेंस ये स्टडी करना होगा। तो देखो बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। अगर आप लाइक नहीं करें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते कि आपको ये प्रॉब्लम है इस वीडियो के रिगार्डिंग। ठीक है, तो देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर देते हैं वेरिएशन इन मोलर कंडक्टेंस। वेरिएशन इन मोलर कंडक्टेंस, वेरिएशन इन मोलर कंडक्टेंस। बेसिकली आपको जो है मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला पता होगा। क्या होता है, क्या होता है बच्चों? लैम्डा मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन में मोलरिटी, यही निकाला था हमने। यानी कि बेसिकली अगर हम इसको देखें मोलरिटी, तो हमारी ये क्या है? कंडक्टेंस है। सॉल्यूट का यूज करके सॉल्वेंट में जो आपने सॉल्यूशन बनाया उससे तो आपने मोलरिटी कैलकुलेट की है। तो देखो बच्चों, जो वेरिएशन है मोलर कंडक्टेंस में, हम पहले स्टडी कर लेते हैं डिबे हकल उनसागर इक्वेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखो बच्चों, क्या डिबे हकल उनसागर ने जो एक इक्वेशन दी थी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, उसने वहां पे बाय यूजिंग दैट इक्वेशन उसने क्या बताया था? मोलर जो कंडक्टिविटी उसमें वेरिएशन दिखाया गया है। अब वो वेरिएशन जो है आ क्यों रहा है, क्या वो वेरिएशन होता है, हमें वो देखना है बेसिकली। तो इसकी एक इक्वेशन है जिसको हम पहले वो देख लेते हैं। लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस बी रूट सी। देखो ये इक्वेशन क्यों बनी, पहले हम ये समझ लेते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है डाइल्यूशन पे डिक्रीज होती है। जिन बच्चों ने लास्ट वीडियोस नहीं देखे वो मेरे स्पेसिफिक कंडक्टेंस और जो मोलर कंडक्टेंस हमने कराया था वो वीडियोस देख ले, आपको पता लग जाएगा। स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस होती है वो डाइल्यूशन पे डिक्रीज होती है, बट यहाँ पे अगर आप मोलर कंडक्टेंस की बात करें तो जो कंसंट्रेशन टर्म है, यानी कि ये जो टर्म है ये डोमिनेट करेगी, और ये डोमिनेट करने की वजह से मोलर कंडक्टिविटी एट डाइल्यूशन विल बी इंक्रीज। क्लियर हो रहा है कि जब भी आप डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, बट स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो रही थी? डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, तो देखो उसने जो है डिबे हकल ने जो है रिलेशन बताया किसका? मोलर कंडक्टिविटी का और कंसंट्रेशन का, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट जिसको आप बोल रहे हैं, ये आपकी क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। ये आपकी क्या रहेगी? मोलर कंडक्टिविटी एट इंफिनिटी डाइल्यूशन। आई राइट हियर लैम्डा एम इज मोलर कंडक्टिविटी एंड लैम्डा एम इंफिनिटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इंफिनिटी डाइल्यूशन। यानी कि जितना आप चाहें उतना ज़्यादा डाइल्यूशन कर दीजिए, उस टाइम पे जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी आएगी दैट इज लैम्डा एम इंफिनिटी। ठीक है, बी दिस इज अ कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट टर्म रहेगी। बेसिकली ये कॉन्स्टेंट जो वैल्यू होगी क्या रहेगी? इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट, जो भी आपने पढ़े थे बच्चों वो हमारे क्या है? एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है बी। रूट सी आपकी क्या है? दैट इज कंसंट्रेशन।
क्लियर है। देखो मैंने अभी बोला जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो डाइल्यूशन पे डिक्रीज होती है, बट मोलर कंडक्टेंस जो है वो डाइल्यूशन पे इंक्रीज होती है। उसका रिलेशन जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिबे हकलोन सागर इक्वेशन ने दिया है हमें। डिबे हकल जो केमिस्ट है उसने एक इक्वेशन प्रोवाइड की है उस सेल के लिए जो जिसने क्या बताया है कि लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस बी रूट सी। उसने जो मोलर कंडक्टिविटी और कंसनट्रेशन है उसका रिलेशन हमें एक्सप्लेन किया है। तो आगे देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास इक्वेशन है लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस बी रूट सी, ये है हमारे पास डिबे हकल ऑन सागर इक्वेशन। ठीक है, इसने किस पे अप्लाई किया है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं बच्चों तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल उसने हम बात कर लेते हैं KCl की। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कम्प्लीटली डिसोशिएट होगा, 100% डिसोशिएशन ये हमें देगा। तो देखो इसने क्या कहा, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हम बात कर रहे हैं तो हम इसके ग्राफ की हेल्प से स्टडी करेंगे। बच्चों आप यहाँ पे ले लीजिए इस टाइप से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे आप ले रहे हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इस साइड क्या हो रही है, रूट सी में कंसंट्रेशन आप ले लीजिए, और यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, मोलर कंडक्टेंस। ये कंसंट्रेशन आपकी जीरो हुई, इधर 0.1 ले लीजिए, फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। इधर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, इधर मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो रिप्रेजेंटेशन दिखाए गए हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो है कुछ ऐसे मिला, ये इतना ज़्यादा कर हम नहीं दिखा सकते। ठीक है, और फिर थोड़ा सा ये ऐसे ज़्यादा गया, थोड़ा ऐसे। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या ये हमने कुछ ज़्यादा ही बना दिया, इसको थोड़ा छोटा करके बनाते हैं बच्चों। ये लिया और फिर इसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए यहाँ से, जितनी जाना ही हो चाहिए। ठीक है, एक आप ये कर बनाएंगे यहाँ से, क्यों ये कर दीजिए। तो ये जो है ये वाली जो लाइन है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान से समझना बच्चों, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोसिएशन कर रहा है तो यहाँ से इसके अंदर जो है ये ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है ये हमारी स्ट्रेट क्यों नहीं रही, फर्स्ट क्वेश्चन ये। ये लाइन जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, वो स्ट्रेट क्यों नहीं रही, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो अप एंड डाउन क्यों जा रही है। बेसिकली ये जाना तो यूँ सीधा ही चाहिए, बट ये यहाँ से होकर थोड़ा इधर यूँ मूव कर रहा है, ऐसे क्यों? देखो बच्चों इस ग्राफ में आपका डाइल्यूशन की दर है, पहले तो वो नोट कीजिए। डाइल्यूशन की दर होगा, इधर तो आपकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, जो भी आपका सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट जो भी आपने बना रखा हो, इधर आपकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो डाइल्यूशन तो घट रहा है, तो इट मीन्स डाइल्यूशन जो आपको इधर इंक्रीज हो रहा है, डाइल्यूशन आपका इधर इंक्रीज हो रहा है ना, क्यों? क्योंकि इधर कंसंट्रेशन आपकी कम से कम हो रही है। इस केस में आपकी जो है ये मोलर कंडक्टेंस है, ये अगर हम बात करें तो उसने दिखाया वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये ग्राफ जो दिखाया है दैट इज फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रही बच्चों कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब कंप्लीटली डिसोसिएशन करता है तो ये लाइन स्ट्रेट जानी चाहिए, कि कंडक्टेंस तो उतनी ही रहेगी। क्लियर है कि उस पर जो डाइल्यूशन है उसमें वेरिएशन नहीं आनी चाहिए। स्पेसिफिक कंडक्टेंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है बच्चों वो क्या करता है, कंप्लीटली डिसोशिएट जब वो होता है तो यानी कि उसका जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रहना चाहिए। क्लियर है, बट क्या हुआ, जैसे जैसे उसका डायल्यूशन बढ़ रहा है तो ग्राफ में क्या आ गया, वेरिएशन आ गया, यहाँ वेरी कर गया ग्राफ, कॉन्स्टेंट एक लीनियर लाइन में नहीं रहा। ठीक है, तो उसका क्या इफेक्ट हुआ बच्चों कि जो कंसंट्रेशन है और मोलर कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस कंसंट्रेशन के साथ वेरी करती है। ठीक है, ये यहाँ से प्रूव हुआ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। बट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका क्या था, बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिख रहा है,
आप देख सकते हैं जैसे ही डायल्यूशन हुआ काफ़ी ज़्यादा जो है वेरिएशन यहाँ पे देख रहे हैं। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनके लिए जो डिबे हक्कलोन सागर है वो कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, तो उसके लिए अब नेक्स्ट मेथड जो हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा वो देखते हैं। बच्चों जो डिबे हक्कलोन सागर इक्वेशन थी वो किसके लिए गुड रही, दिस इज गुड ओनली फॉर लो कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन कब होगी बच्चों, जब डाइल्यूशन ज़्यादा होगा। जब आप डाइल्यूशन ज़्यादा कर देते हैं तो वहाँ पे जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी कंसंट्रेशन लो रह जाती है, ठीक है। सेकंड इसकी एक लिमिटेशन थी बच्चों, वो क्या, ये भी तो एक लिमिटेशन ही है जो कि ज़्यादा कंसंट्रेशन पे ये उसको फॉलो नहीं कर पाया। सेकंड लिमिटेशन क्या रही कि इट इज इट डज नॉट एक्सप्लेन, इट डज नॉट एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है बच्चों, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोलर कंडक्टेंस पे इतना अच्छा इफेक्ट क्यों आया, आपने जो अभी ग्राफ में देखा होगा वो भी ये इक्वेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ठीक है। यानी कि जो लिमिटिंग कंडक्टेंस है, अरे हाँ मैंने आपको लिमिटिंग कंडक्टेंस या जिसको बोलते वो नहीं बताया, इन्फिनिटी डायल्यूशन पे जो आपकी मोलर कंडक्टेंस होती है दैट इज लिमिटिंग कंडक्टेंस। यानी कि यहाँ पे एक लिमिट तक हो जाएगी जहाँ जितना कंडक्टेंस आपकी होनी चाहिए, इन्फिनिटी डायल्यूशन पे एक लिमिटेड कंडक्टेंस हो जाएगी, उससे ज़्यादा आपकी जो है कंडक्टेंस और आप नहीं बढ़ा सकते। जितनी कंडक्टेंस बढ़नी है वो इन्फिनिटी डायल्यूशन तक बढ़ जाएगी, उससे ज़्यादा आप उसको इंक्रीज नहीं कर सकते। तो जो आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे थे उनके लिए आप जो है लिमिटिंग जो कंडक्टेंस उसको अप्रोच कर जाते हैं, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपने देखा होगा काफ़ी शार्प जो है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ रही थी, वो कैसे क्या एक्सप्लेन होगी वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों जो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, बहुत ही क्या होता है बच्चों, उसका जो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। यानी कि जो उसकी वैल्यूज आती हैं आपकी वो क्या आएंगी, आपका जो एक एक्यूरेट वैल्यू आप नहीं बता सकते। आप ये लगा लीजिए कि 100 में से जो है ओनली 5-20% ही वो डिसोशिएट हो पाते हैं, कंप्लीट 100% डिसोशिएट जो होते हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनका कंप्लीटली जो डिसोशिएशन है वो नहीं हो पाता, जबकि ये ग्राफ क्या बता रहा है कि डाइल्यूशन पे हमारा डाइल्यूशन इधर इंक्रीज हो रहा था ना, इधर डाइल्यूशन हम बढ़ा रहे हैं एट लो कंसंट्रेशन पे। लो कंसंट्रेशन कब होगी, जब हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे। तो जब डाइल्यूशन आपका बढ़ रहा है तो उस केस में वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस काफ़ी हाई है, स्ट्रॉन्ग की तरह वो बिहेव कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ हमें ये समझना है। तो ऐसा क्यों हुआ बच्चों, ये इसलिए हुआ कि जब आप डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या कि ये इलेक्ट्रोलाइट था आपका, ठीक है, इसमें जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो पड़े हुए थे, ये था, ठीक है, और इसमें आपने इलेक्ट्रोड्स भी डाल दिए यू, बट जैसे ही आपने क्या कि इसका डाइल्यूशन बढ़ा दिया यहाँ तक, तो इनके पास स्पेस बढ़ गया। जितना ज़्यादा डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे तो इन आयंस के पास स्पेस बढ़ेगा। एक तो ये पहले से ही क्या थे कि जो क्या थे, डिसोशिएट नहीं हो पा रहे थे। दूसरा क्या किया, हमने उसकी कंसंट्रेशन भी हाई कर दी, पर जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो जो माइग्रेशन ऑफ आयंस है यानी कि उनका जो मोमेंट है, मोशन कोई माइग्रेशन बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे माइग्रेशन ऑफ आयंस हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आयंस का मोशन होगा वो एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन पे बढ़ जाएगा, ठीक है, इनकी जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। जब उसके क्या होगा, यानी कि उनके बीच की काफ़ी डिस्टेंस आ जाएगी सभी मॉलिक्यूल्स में, जब सभी मॉलिक्यूल्स में काफ़ी डिस्टेंस आ जाएगी तो उस टाइम पे वो जो आयंस है वो मूव करना स्टार्ट करते थे इलेक्ट्रोड्स की तरफ। इसी वजह से इन्फिनिटी डायल्यूशन पे वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मोलर कंडक्टेंस हमें शो करते हैं,
कंडक्टेंस जो है हमें हाई मिलती है एट इंफिनिटी डायमेंशन पे। क्यों मिलती है? क्योंकि उन मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, जिससे जितने भी इंट्रैक्शन होते हैं सभी खत्म हो जाते हैं और इन्फिनिटी डायमेंशन पे सबसे हाई जो है मोलर कंडक्टेंस वो शो करता है, जबकि स्ट्रोंग ऐसा नहीं कर पा रहे थे। स्ट्रोंग का जो वेरिएशन आया था, देखो ये वेरिएशन जो इतना आया था ये लिमिटिंग कंडक्टेंस वैल्यू का था, जो हम कैलकुलेट कर पा रहे थे, ये जो इतना वेरिएशन था स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। बट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसका वेरिएशन हम डिबे हथलोन सागर से कैलकुलेट नहीं कर पाए। अब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस है वो भी हम इजीली डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक लॉ है वो देख लेते हैं। दैट लॉ इज कोलार्स लॉ। कोलार्स लॉ क्या है बच्चों, जिसने इस वीक इलेक्ट्रोलाइट को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। देखो ये इतनी सारी वैल्यू आई जिसको हम क्या बोल रहे थे, लिमिटिंग कंडक्टेंस हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, बट यहाँ पे लिमिटिंग कंडक्टेंस अब ये एक्सपोनेंशियल टाइप से जो है हमारा ग्राफ आ रहा है, यहाँ पे हम कैसे सोल्व कर पाएंगे? यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है किसको, लिमिटिंग कंडक्टेंस को कैलकुलेट करने में, क्योंकि बहुत माइन्यूट सी हमें पता ही नहीं लग पा रहा कि कितनी कंडक्टेंस में जो है हमारी यहाँ पे लिमिटेड रहेगी, वो हमें पता नहीं, क्योंकि हमें तो जो है मैक्सिमम कंडक्टेंस यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ से जो डाइल्यूशन हुआ है उसकी वजह से कंडक्टेंस हमारी बढ़ी है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो फाइनली जो कोलास था उसने एक इनडायरेक्ट मैथड वहाँ पर अप्लाई किया, उसने क्या कहा कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है उस पर हमारा सबसे ज़्यादा जो है मोलर कंडक्टेंस में वेरिएशन आया है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से, जिसको इक्वल टू बताया उसने λm/λm∞। यानी कि जो लिमिटिंग कंडक्टेंस की वैल्यू आई है वो बहुत कम है यहाँ पे, और जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो मोलर कंडक्टेंस हमारी मैक्सिमम हुई है, ये जो मैक्सिमम हुआ मोलर जो कंडक्टेंस है वो हमारी क्या हुई है, मैक्सिमम हुई है। ये वैल्यू जो है काफ़ी कम थी, ये आपकी कम है तो ये बड़ा है। तो उसने फाइनली एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बता दिया किसका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का और हमारी मोलर कंडक्टेंस का। तो जो कोर्स लॉ की एप्लीकेशंस थी वो हमारी यहाँ पे 5 एप्लीकेशंस हम स्टडी करने वाले हैं। एक मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की फॉर्म में, आगे और देख लेते हैं बच्चे जो इसके एप्लीकेशन है वो क्या रहेगी। फर्स्ट वन इज कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट with the help of strong electrolyte, clear। ये काफी important application है और यहाँ से कई बार question आ जाता है, this application is very very important, okay। second one is degree of dissociation, अभी मैंने आपको बताया degree of dissociation। थर्ड वन इज डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, फोर्थ वन इज सोलिबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट जो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, जो बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में डिसोशिएट हो पाते हैं, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में जो डिजोल्व होते हैं। एंड फिफ्थ वन इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्लियर बच्चों? तो हमें जो ये सभी एप्लीकेशन जो है वो हमें देखनी होंगी। इस एप्लीकेशन से जो है एक न्यूमेरिकल आता है बच्चों, जो स्ट्रोंग के जो कंडक्टेंस है वो आपको गिवन होगी और आपको वीक की कैलकुलेट करनी होगी। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दिस वन, ओके। तो ये जो टॉपिक रहेगा इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाकी ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है ये मैंने आपको बताया है बच्चों। देखो
कोसला और जो डिबी हकलोन सागर है, फाइनली क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम कि जो डिबी हकलोन सागर था वो स्ट्रोम इलेक्ट्रोलाइट को जो है उसने अपनी एक इक्वेशन दी, उसके भी आप उसने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी, जबकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को डिबी हकलोन कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो सिर्फ किसके लिए गुड था, जो लो कंसेंट्रेशन पे था उनको अच्छे से जो है वो बता पाया फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। बट यहाँ पे जो लिमिटिंग वैल्यू की बात आई किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जो जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो हम कैलकुलेट नहीं कर पाए, उसमें काफ़ी वेरिएशन आ रहा था। तो उसके लिए जो है कोलार्सला जो है हम वो पढ़ रहे हैं। कोलार्सला ने क्या बताया, वीक इलेक्ट्रोलाइट को स्टडी किया उसने, उसने कहा कि जो इन्फिनिटी डायल्यूशन हो जाता है उस टाइम पे जो आयंस हैं उनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस आ जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी जो है हाई मोलर कंडक्टेंस शो करते हैं, ठीक है। फिर उसके भी हाफ पे उसने एप्लीकेशन दी हैं, जो एप्लीकेशन हमें स्टडी करनी है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही रहेगा, नेक्स्ट क्लास ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर यू, क्योंकि वहाँ से जो है आपका CBSE का 3 मार्क्स आप वहाँ से लेने जा रहे हैं और काफ़ी इजी न्यूमेरिकल है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी उसमें। बच्चों वीडियोस पे ऐसे ही बने रहें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।